हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है समीर का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे समीर। थैंक यू बर्थडे। और समीर का आज बर्थडे है, लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि समीर भी कहता है कि मैं बड़ा हो गया, मुझे बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना। और जो ये सानू है ना, इनने जिद की है कि बर्थडे मनाओ, बर्थडे मनाओ। तो हम क्या करते, केक लाते बस और कर लेते। तो सानू है, वो कह रहा मुझे मेरे फ्रेंड्स बुलाने हैं, तो इसलिए अब मुझे अचानक से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब 5 बजे है शाम के, तो मैं जाऊंगी मार्केट कुछ सामान लेने, जैसे रेडीमेड जो सामान मिलता है बस वही लेकर आऊंगी, प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए बच्चों की। और फिर अचानक और सानू समीर अपने अपने फ्रेंड्स को कह देना तब तक। तो ये अपने फ्रेंड्स को कह देंगे, तो मैं सामान लेकर आऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं अभी आई हूँ मार्केट से। तो मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ जो मुझे रेडीमेड वहाँ तैयार मिला, जैसे कि केक वगैरह हमने ऑर्डर नहीं दिया था, तो मैं केक लेकर आई हूँ। तो केक मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक ये केक लाई हूँ, और ये मुझे इतना अच्छा सा नहीं लगा था, तो फिर मैंने एक दूसरा भी केक लिया, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। एक मैंने ये वाला चॉकलेट फ्लेवर का केक लिया जो रेडीमेड बना हुआ था वहाँ पर, तो मैंने उन पे नाम लिखवा लिया, तभी अर्जेंट में पहुंची थी। लेकिन अगर मुझे करना होता बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट, तो मैं एक दिन पहले ऑर्डर देकर आती हूँ। इस बार मेरा मूड नहीं था कुछ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो तबीयत ढीली सी हो रही थी मेरी, इसलिए तो मैं अचानक गई। तो ये रेडीमेड जो मुझे सामान तैयार मिला, मैं वो खरीद कर लाई। तो ये बच्चे कह आए अपने फ्रेंड से, तो मैंने कह दिया था भाई 7 बजे का टाइम कहना, तो अब बच्चे सब आ जाएंगे थोड़ी देर में। 6:30 बज चुके हैं, मैं मुझे करनी है थोड़ी तैयारी, तो मैं सामान वगैरह ले आई हूँ। और आते ही मैंने इनको भेजा है अपनी बाजी को और बच्चों को बुलाने। और मैं कर रही हूँ अब ये प्लेटें तैयार जल्दी जल्दी एकदम, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है, तो हम उसका मेरी हेल्प करा रही है। हम ये प्लेटें लगा लेते हैं, इतने बच्चे वहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, तो चलिए अब इसमें हम सामान रख देते हैं सारी प्लेटों में, तो हमें फिर उठा के देनी होंगी बस। हाय बोल दे जोया। हाय। तो ये प्लेटें कुछ हमने लगा ली हैं, अभी जैसे बच्चे और आएंगे तो मैं और लगा लूंगी। तो हाँ, अब इसमें समोसे भी रख दो, गरम है अभी, अभी बन के आए ना। हाँ रख दो इसमें। तो हम ये प्लेट तैयार कर ले रहे हैं और इस वाले रूम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है हमारे रूम में। इस रूम में इनकी मस्ती चल रही है, और ये छोटे छोटे बच्चे इधर बैलूनों से खेल रहे हैं। ये हमारा आहिल है, आहिल हमारा बैलून से खेलता है। पाली कर दो। ये सब बच्चे यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं। हमारा जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं, तो हमारा ये इसका ये हॉल आता है कि कुछ बर्थडे या कुछ हो प्रोग्राम, तो हम इस हॉल में करते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा है इसमें, तो यहाँ अच्छे से हो जाता है, तो यहाँ हम इसीलिए कर लेते हैं। हेलो, ये है अभी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on
हाँ एक पत्ता यार, एक पत्ता मिल जाएगा ठीक। खुशी 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 का कोई ठिकाना नहीं। हाँ और बच्चे यहाँ पे अपनी अपनी प्लेटें लेके बैठ गए हैं। देखिए बच्चे खा रहे हैं सब, और ये बच्चे इधर खा रहे हैं केक वगैरह लेके अपनी प्लेटें, और बर्थडे हो चुका है। बच्चे ने सब अपने अपने प्लेटें, सब जिन पे खाया गया वो खा लिया, नहीं खाया गया वो प्लेटें अपने घर ले जा रहे हैं बच्चे। और हो चुका है बर्थडे, और अब मैं करूंगी खाने वगैरह की तैयारी। कुछ तैयारी हो गई है तो हम खाना वगैरह करेंगे अब घर का। और इतना काम फैल गया है अब घर में, और अब हम कर रहे हैं सारा घर साफ दोबारा से सब, क्योंकि सब सामान इधर उधर फैल गया है घर में। हाँ तो गाइस देखिए, ये रशीद ने दिया है, और ये भी मिला है, और क्या कहते हैं बाकी के गिफ्ट रखे हैं, वो मैंने अभी अनरैप नहीं करे तो बाद में करूंगा। और अब मैं कर लेती हूँ घर का काम, साफ साफ सफाई वगैरह। और मैं और मुस्कान कर, मुस्कान मेरी हेल्प कर रही है थोड़ा सा करवाने में, क्योंकि सारा फैल चुका है घर, बच्चे चले गए घर अपने अपने, और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, और अब काफ़ी रात हो गई है, सॉरी 10 बज गए हैं, तो 10 बज चुके हैं, और थक भी गए हैं अचानक इतना प्लान बना के। पर ये ऐसा भी कभी कभी होना चाहिए, अचानक भी कुछ हो तो अच्छा लगता है। और दोपहर तक कोई प्लान नहीं था कुछ करने का कैसा भी, क्योंकि कई दिन से तो बारिश हो रही थी और धूप नहीं निकली कितने दिन से, तो मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई थी, ठंड लग गई थी मुझे, थोड़ा बारिश में भीग गई थी इसलिए। तो अब मेरा मूड नहीं था करने का कि चलो ऐसे केक ला के काट लेंगे और ऐसे बर्थडे मना लेंगे। पर सानू ने कहा कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, सब बच्चों को बुलाओ, तो इनके सब फ्रेंड्स वगैरह तो सब आए और उनने इंजॉय करा, सब ने डांस डूस करा, और अपनी अपनी केक की प्लेटें वगैरह ली, खाया किसी ने, और जो नहीं खा पाए वो घर ले गए, और सब बच्चे घर चले गए हैं। और अब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, तो हम सब अब साफ सफाई में लग गए हैं कि थोड़ा घर सेट कर लेते हैं। सारा ऐसा हो जाता है ना, जब कुछ प्रोग्राम होता है तो घर में सारा काम फैल जाता है, तो अब दोबारा से हम साफ सफाई में लग चुके हैं। तो मैं यहीं पर अब करूँगी ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।